लिए, आम आदमी के लिए, लोगों के लिए ये, और संविधान के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये बिल्कुल इंडिया है और इंडिया भारत दोनों रहेगा। तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का जश्न मनाने की सलाह और भविष्यवाणी की, वो बीजेपी सरकार में भूचाल मचाने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की बातों की, जो मोदी सरकार पर, एनडीए पर जो हमलावर उन्होंने किया है और जो भविष्यवाणी की है, क्या ये सही साबित हो पाएगा? जरा सा समझते हैं तस्वीरों से, जरा सा शत्रुघ्न सिन्हा को देखिए कि क्या मोदी सरकार को लेकर कह रहे हैं। वो तो पुरानी इन्विटेशन भी आया था, उसमें भी भारत लगा दे। एनीवे मैं अभी ये सब बात नहीं करूंगा, लेकिन ये सब बात जो है दिख रहा है पैनिक रिएक्शन है, कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, हिंदी में क्या लिखा, भारत जो कि इंडिया है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान जो है हमारा होली बुक है यहाँ का, अब उसकी बात करते हैं तो उसी के हिसाब से चलना है। आप नाम रखते जाइए अपने मन से, हिंदुस्तान के लिए, आम आदमी के लिए, लोगों के लिए ये, और संविधान के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, ये बिल्कुल इंडिया है और इंडिया भारत दोनों रहेगा। तो इसके बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। G20 हो रहा है, एशिया का बड़ा देश चाइना, राष्ट्रपति नहीं आए हैं। नहीं, वो रशिया के भी नहीं आए हैं, वो चाइना के भी नहीं आए हैं। अब देखिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक बार बताऊं, जितना आप लोगों ने मीडिया ने G20 को, जितना आप लोगों ने, ठीक है विदेशी मेहमान आए हैं उनका स्वागत करना चाहिए, हमारा देश का मामला है, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं वो भी सही है। शिक्षा इसकी जरूरत नहीं करने की, क्योंकि इसके तो ये रोटेशन में होता है। जैसे आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री इसके आज चीफ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो इसके पहले यशवंत सिन्हा भी प्रेसिडेंट थे, बहुत सारे लोग और भी प्रेसिडेंट हो चुके हैं। ये एक होता है, हुआ क्रिएट किया गया है कि G20 आ गया तो ये भारत को मिला है अध्यक्षता। ये अध्यक्षता तो रोटेशन में खत्म हो जाएगा, अब इसमें भारत G20 है, भारत का नंबर तो 19वें या 20वें पे है, तो इसको भी समझने की जरूरत है। बहरहाल हम उनका स्वागत करते हैं और हमारी भी एक कामना, शुभकामना और मनोकामना है कि G20 से कुछ अच्छा निष्कर्ष निकले, जिससे भारत के साथ साथ भारत के आम आदमी का, जनता का भी बहुत भला हो। लोकसभा का प्रचार है क्या G20 भी की लोकसभा का प्रचार कर रहे हैं मोदी जी? G20 से क्या लोकसभा का प्रचार करेंगे, विदेश का मामला, विदेशों का मामला है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन हाँ, बाकी बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, मेन इश्यू से डाइवर्शन के लिए हो रहा है। और जो पार्लियामेंट जो शुरू हो रहा है अभी, वो पार्लियामेंट जो जिस तरह से शुरू किया गया, बगैर एजेंडा के, बगैर डिस्कशन के, उसको भी सोचने की जरूरत है, तो मुद्दों से बिल्कुल ध्यान भटकाने का। एक पैनिक रिएक्शन दिखाया है सरकार ने, और ऐसा लगता है कि जैसा हमारी आदरणीय ममता जी ने कहा या नीतीश बाबू ने कहा कि चुनाव नजदीक है। विशेष संसद का सत्र बुलाया गया, उसमें क्या बोला ना, उसमें हमने कहा कि वो तो बुलाया गया, ना चर्चा की गई विपक्ष से, ना जनता को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है, और ना ही बगैर डिस्कशन के, बगैर एजेंडा के ये बुलाया गया। किसी को कुछ पता ही नहीं इसमें क्या है, कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आएगा, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, और कैसे आएगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं आ सकता है, और 5 दिन के कार्यक्रम में कुछ नहीं हो सकता है, ये सिर्फ ज्यादातर दिख रहा है अटेंशन डाइवर्ट। देखा आपने, 2024 के चुनाव में ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा, यही वजह है कि विपक्ष की तमाम वो ताकतें इस वक्त जो है प्लान बनाने में लगी हैं कि 24 में कैसे सत्ता हासिल की जाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने इंडिया की तारीफ करते हुए ये बताया कि कैसे इंडिया गठबंधन की जीत होगी और मोदी सरकार को खुली चुनौती दी। क्या इस चुनौती को बीजेपी या मोदी सरकार स्वीकार करेगी और शत्रुघ्न सिन्हा पे क्या पलटवार करेगी, इस बात का हम सबको इंतजार रहेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।